नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। अब बड़ी खबर हरियाणा के जींद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 11 वर्षीय बच्चे ने एक युवक के साथ मिलकर सिर्फ 36 सेकंड में 20 लाख रुपए उड़ा लिए। यहां आपको बता दें कि जींद जिले में एक 11 साल के बच्चे द्वारा पंजाब नेशनल बैंक से 20 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। हालांकि सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। हैरानी की बात यह है कि एक छोटा सा बच्चा पेशेवर चोर की तरह कैशियर के कैबिन से कुछ ही सेकंड में हाथ साफ कर लेता है। पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर ने बताया कि दोपहर के समय जब कैशियर वॉशरूम के लिए अपने कैबिन से उठा, तो पहले से ही ताक लगाए बैठा छोटा बच्चा तुरंत कैबिन में घुसता है और बैग में पैसे लेकर फरार हो जाता है। उन्होंने बताया कि कैशियर दरवाजा बंद करना भूल गया था, जिसका फायदा उठाकर बच्चे ने 20 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं बैंक अधिकारियों ने बताया कि दोपहर को चोरी हुई, लेकिन जब शाम को कैश का मिलान किया गया तो 20 लाख रुपए कम पाए गए। SHO हरिओम ने बताया कि कैशियर की लापरवाही की वजह से घटना को अंजाम दिया गया है। सिविल लाइन थाना पुलिस को दी गई शिकायत में बैंक के कैशियर सत्यवान ने बताया कि वह 20 लाख रुपए के 5 बंडल बनाकर किसी काम के लिए दूसरे कैबिन में चला गया। जब वापस आया तो पैसे गिनने पर पता चला कि उसमें 20 लाख रुपए कम है। इस घटना की पूरी जानकारी उन्होंने बैंक के उच्च अधिकारियों को बताई। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच की तो उसमें 11 वर्षीय बच्चा, जो कि पहले से ही बैंक में बैठा था, 20 लाख रुपए के बंडल को अपने थैले में डालकर ले गया। सिविल लाइन थाना प्रभारी हरिओम ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि बैंक के कैशियर की तरफ से शिकायत मिली है कि 20 लाख रुपए बैंक से बच्चे और युवक ने चोरी किए हैं। इस मामले में बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई। सीसीटीवी फुटेज में एक बच्चा और उसके साथ एक अन्य युवक चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।